1951 में आज ही के दिन ओमान और ब्रिटेन के बीच एक समझौते के बाद ओमान स्वतंत्र हुआ था। यह देश प्राचीन इतिहास का स्वामी माना जाता है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाल ने ओमान पर अधिकार किया। 1622 में ब्रिटेन और ईरान की संयुक्त सेना ने पुर्तगाल को पराजित किया और कुछ दिनों के बाद ओमान में इमामी या अरबी शासन श्रृंखला का काल आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ओमान एक बार फिर ब्रिटेन के नियंत्रण में चला गया। अबाजिया नामक गुट ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया, लेकिन 1920 में इसे कुचल दिया गया। आखिरकार साल 1951 में ब्रिटेन और ओमान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ओमान स्वतंत्र देश बन गया। 1956 में आज ही के दिन अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ एफ्रो अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स की लड़ाई रंग लाई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बसों में होने वाले रंग भेद पर रोक लगाई जानी चाहिए। नागरिक अधिकारों की लड़ाई की जननी कही जाने वाली पार्क्स ने अमेरिका में बराबरी की लड़ाई का बिगुल बजाया। साल 1955 में एक दिन जब वह काम से घर जाने के लिए बस में सवार हुई तो गोरों के लिए आरक्षित शुरुआती 10 सीटें छोड़कर पीछे एक सीट पर जाकर बैठ गईं। इस बीच बाकी सीटें भी भर गई थीं और एक श्वेत आदमी के बस में चढ़ने पर ड्राइवर ने पार्क से सीट छोड़ने को कहा। रोजा ने साफ इनकार कर दिया और यहीं से नागरिक अधिकारों की लड़ाई में रोजा ने कदम रख दिया। हालांकि रोजा पार्क्स को बस में हुई इस घटना के लिए दोषी करार दिया गया और उनसे $10 का जुर्माना भी वसूला गया। करीब एक साल तक उनके साथ दूसरे अश्वेत लोगों ने भी नगर निगम की बसों का बहिष्कार किया। इसके बाद उनका संघर्ष रंग लाया और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एफ्रो अमेरिकी अश्वेत नागरिक नगर निगम की किसी भी बस में कहीं भी बैठ सकते हैं। 1973 में आज ही के दिन स्पेन के प्रधानमंत्री एडमिरल लुइस करेरो ब्लांको की मैड्रिड में एक कार बम हमले में मौत हो गई थी। 70 वर्षीय ब्लांको के अलावा उनके अंगरक्षक और एक ड्राइवर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए थे। यह बम हमला एक रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया था। इस जबरदस्त विस्फोट में कार सैन फ्रांसिस्को डी बोर्गा चर्च की छत तक हवा में उछल गई और दूसरी ओर एक इमारत की दूसरी मंजिल पर जा गिरी थी। किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। पुलिस ने घटना के 6 घंटे बाद तक इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने सड़क के नीचे एक सुरंग खोदी और वहां बम लगाया था। गृह युद्ध के बाद से स्पेन में किसी सरकारी मंत्री की इस तरह हिंसक हालात में मौत नहीं हुई थी। एडमिरल ब्लांको निरंकुश माने जाते थे, जिन्हें कम्युनिज्म पसंद नहीं था और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति उनकी निष्ठा थी। इसके बाद उप प्रधानमंत्री फर्नांडेज मिरांडा ने उनकी जगह कार्यभार संभाला था। 1995 में आज ही दिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना को जल्दी तलाक लेने की सलाह दी थी। महारानी के आधिकारिक आवास बकिंगम पैलेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि महारानी ने दोनों को एक पत्र लिखकर शादी तुरंत खत्म करने की सलाह दी है। महल के प्रवक्ता के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स ने तो अपनी मां से सहमति जताई, मगर राजकुमारी की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। महारानी के इस कदम से कुछ ही हफ्तों पहले राजकुमारी डायना ने बीबीसी के पैनोरमा कार्यक्रम में एक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद राजशाही के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि वे तलाक तो नहीं चाहती, मगर दावा किया कि उनकी शादी में कुल 3 लोग शामिल हैं। इसमें चार्ल्स की कैमला पार्कर बोल्स के साथ दोस्ती का भी जिक्र था। 2010 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का निधन हुआ था। उन्होंने 50 और 60 के दशक में सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। फिल्म काला पानी का गीत नजर लागी राजा तोरे बंगले पर में नलिनी के अभिनय को भला कौन भूल सकता है। नलिनी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1941 में प्रदर्शित फिल्म राधिका से की थी। अभिनेता दिलीप कुमार, देवानंद और अशोक कुमार के साथ नलिनी जयंत ने कई सफल फिल्में भी दी हैं। दिलीप कुमार ने अपने साथ काम करने वाली अभिनेत्रियों में नलिनी को ऊंची प्रतिभा का मालिक माना था। दिलीप साहब के मुताबिक नलिनी में सीन और किरदार की बड़ी समझ थी। एक पत्रिका की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सुंदर नायिका माना गया था। इसके साथ ही मधुबाला के जमाने में भी नलिनी को लोगों ने ज्यादा खूबसूरत माना। राज खोसला की काला पानी के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आखिरी बार वह फिल्म नास्तिक में अमिताभ बच्चन की मां के रूप में नजर आई थी।